आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े विस्थापित प्रभावित ग्राम समिति ने नौकरी मुआवजा व मूलभूत सुविधाओं व चार सूत्री मांगों को लेकर सोमवार से अनिश्चित काल के लिए परियोजना का सारा कामकाज ठप कर दिया। परियोजना से विस्थापित गांव कुमरांकला कुमरांग खुर्द हो हैं बिगलात उड़सू के सैकड़ों ग्रामीणों ने सीसीएल के 6 नंबर कांटा के समक्ष धरने पर बैठकर मांग कर रहे हैं। सीसीएल प्रबंधन से बुरायतों को मांग पूरी न करने का गंभीर आरोप है। रहतों की मांग में परियोजना में कोयले की लोडिंग मजदूरों से कराने, गैर मजोरवा जमीन को अतिशीघ्र सत्यापन कराकर नौकरी एवं मुआवजा देने, बुनियादी सुविधाएं बहाल करने आदि मांगे शामिल है। विस्थापित ग्रामीणों ने कहा है कि आम्रपाली परियोजना खुले 7 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा की व्यवस्था नहीं की गई। जनरेटर के सहारे कोयले का उत्खनन कार्य हो रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बुरायतों ने सीसीएल प्रबंधन पर संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि क्षेत्र में बहुत मनमानी की गई है, अब उनकी मनमानी को नहीं चलने दिया जाएगा। सीसीएल इस क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों से जमीन देने वाले रैयतों के साथ दोहरी नीति अपना कर शोषण कर रही है। आज तक अधिकांश रैयतों को नौकरी व मुआवजा नहीं दिया गया। रैयत अपने हक व अधिकार की मांग को लेकर परेशान है। आंदोलन करने पर सीसीएल बुरायतों पर केस कर अपना काम निकाल लेती है। आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय बुरायतों राजेंद्र प्रसाद, कुंदन कुमार, रविंद्र सिंह, दुलार चंद आदि के द्वारा किया गया। या सरकार हमारी मांगों को मान लेती है तो ठीक है, और नहीं मांगती है तो ये आंदोलन को और उग्र करेंगे और जितना दिन तक चले आंदोलन करते रहेंगे। हम इसके लिए हम पूरे विस्थापित प्रभावित ग्रामीण मजदूर सब एकजुट हैं और इसका एक का सब करने के लिए हम लोग सब एकजुट हैं और कटिबद्ध हैं। इसका हम लोग पालन करेंगे सोशल डिस्टेंस में रहते हुए। चार सूत्री मांगों में आप लोग क्या क्या मांग है? चार सूत्री मांगों में पहला मांग है विस्थापित प्रभावित बेरोजगार ग्रामीण मजदूर से वाहन लोडिंग किया जाए। दूसरा है गैर मजूरवा जमीन को यथाशीघ्र भौतिक सत्यापन कराकर नौकरी एवं मुआवजा दोनों दिया जाए। तीसरा है मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, और उसी के अंतर्गत जो भूमि में फोरेच लगा करके रखा है वो फोरेच को हटा करके और उस पर भी नौकरी दिया जाए। चौथा मांग है हम लोग का जो काम नहीं हो रहा है। चौथा मांग है हम लोग को जो यहाँ के मजदूर हैं टोटल, जो गैर मजूरवा जमीन या रैती जमीन पे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 11 लगा है उसको या तो अविलंब हटा दे या तो उस पर यथासंभव यथाशीघ्र नौकरी एवं मुआवजा दोनों दिया जाए, क्योंकि लड़की की शादी, रोग, बीमारी ये सब होती तो जमीन हम लोग सेल नहीं कर सकते। लेकिन सीसीएल का कहना कि जमीन तो अभी तक हम लोग ग्रामीण का लिए ही नहीं है। सर आप पेपर में देख सकते हैं LRDC से CO तक टोटल यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर तक धोरधोरवा नदी तक सेक्शन 9 और 11 लगा दिया। दूसरा कहना सीसीएल का कि हमने नौकरी दिया, जिसका कागज मिला हमने उनको नौकरी दिया, जिनकी कागज हमारे पास नहीं आई उनको मैंने नौकरी नहीं दिया। सर सीसीएल ठगी का काम कर रही है, यहाँ तो प्रूफ सीधा, फिर हम लंबी थोड़ा बोलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो फाइल दिया था, नियुक्ति पत्र दिया, उस पर पहल नहीं किया गया तो वो क्या बोलेगी सीसीएल? सीसीएल ठगी का काम कर रही है। सर इन्होंने कुछ दिनों पहले मांग पत्र एक दिया था जिसमें इनके जो नेता भी यहाँ हैं राजेंद्र प्रसाद और इनके साथ 3-4 लोग आए थे, हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया। जो इनकी प्रमुख बातें थी मूलभूत सुविधा वगैरह की, तो उसमें हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है इनको बताया, और कुछ इनका डिमांड था वो भी ये लोग बोले, वो भी हम लोग सब लिखे कि जल्द से जल्द उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। जहाँ तक मूलभूत सुविधा की बात थी उस पर डिटेल पर डिस्कशन हुआ था। उसके बाद बात हुई फोरेज वगैरह की, फोरेज हटाने की है तो फोरेज राज्य सरकार का मामला है। फोरेज में हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, हम लोग की ज़मीन जो हम लोग बात करते हैं ऊपर लेवल में, स्टेट लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी बात हो रही है, लेकिन फोरेज हटाने का मुद्दा या जमीन सत्यापन का मुद्दा ये सब राज्य सरकार से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोगों ने इनको बताया। इस बात ने प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति पद दिया गया उस पर अभी तक नौकरी नहीं मिला, उसमें जिनका क्लियर था उन सबको नियुक्ति दी गई, उसमें कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। जैसे किसी का जमीन जैसे जे था वो सब में रुका हुआ है, उसके कारण से कुछ है कि हमारी माइंड, हमारे सीसीएल की नीति है कि जो
विदिन 5 ईयर्स जो लैंड यूज होने वाली है उसी पर नौकरी देती है, बाकी पर मुआवजा सर पर मिलता है, लेकिन नौकरी जो है जो 5 साल जो आगे यूज होने वाली है उसी पर मिलती है। तो उससे 5 साल के इसके बाहर जिनका जमीन था उनका नौकरी का केस सही में फंसा हुआ है, ये मैं स्वीकार करता हूँ। इसमें हम लोग आगे भी बात भी करेंगे इन लोगों से। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए फिलहाल लक्की की रिपोर्ट, चतरा, झारखंड।